हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैं कंप्लीट करके अपलोड कर चुका हूं, शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ। काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से ये पार्ट मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस पार्ट में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मैं हूँ बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें फर्स्ट इसका सब टॉपिक है टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड डिपॉजिट। कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं और कितने टाइप का डिपॉजिट होता है बैंक में। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का टाइप ऑफ लोन एंड ओवरड्राफ्ट्स, फिलिंग अप चेक, डिमांड ड्राफ्ट्स, डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अकाउंट्स। अगर आपको बैंक अकाउंट बैंक में ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसी का सब टॉपिक है नो योर कस्टमर, मीन्स KYC जो फॉर्म भरते हैं हम लोग, फोटो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। इंडियन करेंसी कौन कौन से हैं इस समय रनिंग में, हालांकि ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा लेकिन काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इस वजह से मैं इस चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। आई होप कुछ इसमें नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बैंकिंग प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं उनकी कई अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल और सेल्फ बैंकिंग, इसमें क्या आता है सेविंग बैंक अकाउंट्स या सेविंग अकाउंट्स। तो ये सेविंग अकाउंट्स क्या होता है, दीज अकाउंट्स आर टू मोस्ट पॉपुलर डिपॉजिट फॉर सेल्फ अकाउंट। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बैंक अकाउंट टाइप होता है जिसको मोस्टली लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये आम लोगों के लिए होता है, ये अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। दीज अकाउंट्स प्रोवाइड चेक बुक ATM कार्ड फैसिलिटी एंड हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ ऑफ फंड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट बिटवीन 3.5% टू 7% ऑन डिपॉजिटेड अमाउंट। तो यहाँ पे जो हमारा सेविंग अकाउंट्स होता है वो कोई भी ओपन कर सकता है, और इस सेविंग अकाउंट के साथ में आपको चेक बुक इशू होती है, ATM कार्ड की फैसिलिटी भी इसके साथ आपको मिलती है, और आपको बैंक में अमाउंट जमा करने की मीन्स डिपॉजिट और विड्रॉल की कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जो आपका जितना भी अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में जमा रहता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो इंटरेस्ट हमारा वैरी करता है 3.5% टू 7% तक। ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग रूल्स होते हैं, जिसमें से मिनिमम होता है 3.5% और जो मैक्सिमम होता है वो 7% तक का इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट पर मिलता है। आगे देखते हैं क्या है, एक काफ़ी पॉपुलर बैंक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं RD, और इसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके का अकाउंट होता है कि आप इसमें एक अकाउंट खोलते हो, उसमें जैसे आपने 500 रुपये का अकाउंट ओपन किया तो आपको 500 रुपये हर महीने या हर तीसरे महीने या हर 6 महीने टर्नओवर पे आपको ये अमाउंट जमा करना होता है। एक तरीके का ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें आप काफ़ी लंबे समय के लिए कुछ आप पैसा सेविंग करते हैं और ये पैसा आप बार बार निकाल नहीं सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है RD फॉर टेन्योर ऑफ 6 मंथ टू 10 ईयर। जो RD अकाउंट होता है वो 6 महीने या मैक्सिमम 10 साल के लिए आप ओपन कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट ऑन RD इज सिमिलर टू FD, FD मीन्स फिक्स डिपॉजिट। तो हमारा जो RD अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नियर अबाउट या एक तरीके से कह सकते हैं कि सिमिलर होता है जो हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कैन बी 100। तो आप RD अकाउंट मिनिमम 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनल्टी फॉर मिसिंग इवन 1 इंस्टॉलमेंट। अगर आप RD अकाउंट ओपन करते हैं और आपने जो भी इंस्टॉलमेंट सेट की है 500, 1000, 1000, 2000, 5000, तो अगर आप कोई एक इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं, आप जमा नहीं कर पाते हैं टाइमली, तो आपको उसके लिए कुछ पेनल्टी बैंक लगाता है जिसमें आपको कुछ एडिशनल चार्जेस
आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिसिंग मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, आरडी कैन बी क्लोज्ड। अगर आप कई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाते हैं अपने आरडी अकाउंट में तो आपका आरडी अकाउंट क्लोज हो सकता है, बंद हो जाएगा। तो उस केस में ऐसा नहीं होता कि आपका जो जितना भी डिपॉजिटेड अमाउंट है वो नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिलता है, लेकिन बैंक उसमें से कुछ चार्जेस काट के आपको वो अमाउंट वापस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन एंड ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द अमाउंट अवेलेबल इन आरडी। तो यहाँ पे जो हमारा आरडी अकाउंट होता है, अगर आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उस अकाउंट के बेसिस पे लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन ही के तरीके की होती है, आप उसको भी ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है पेनल्टी क्लॉजेस फॉर पर प्री मेच्योर विड्रॉल। अगर आप टाइम से पहले आरडी अकाउंट को आप तोड़ते हैं या उससे पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, जो बैंक के रूल के अकॉर्डिंग वो अपना चार्ज काटते हैं। अगला टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफडी। द मेन पर्पज ऑफ एफडी अकाउंट इज ओपन अकाउंट इज टू अर्न हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर एक्स्ट्रा मनी। तो यहाँ पे जो एफडी अकाउंट होता है मोस्टली हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पाने के लिए या अपनी सेविंग के लिए ओपन करते हैं, जिसमें आप कुछ पैसा कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए फिक्स करते हो और आप उसको उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में निकाल नहीं सकते। अगर निकालते हैं तो आरडी के तरीके से आपको कुछ चार्जेस बैंक काट के फिर आपको पैसा वापस करेगा, इसमें आपको पूरा इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो अगला पॉइंट है इन एफडी द अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड ओनली वंस। तो यहाँ पे जो आरडी होता है उसमें आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको पैसे जमा करने होते हैं, जबकि एफडी क्या होता है, एफडी में आपको पूरा का पूरा पैसा एक बार में जमा करना होता है, और जितने साल के लिए आप जमा करेंगे या जितने महीने के लिए आप जमा करेंगे उतने महीने तक आप उसका पैसा नहीं निकाल सकते। ये कंडीशन होती है, अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी बैंक को। अगला पॉइंट है द एफडी टेन्योर बिटवीन 6 मंथ टू 10 ईयर। तो हमारा जो एफडी होता है, एफडी अकाउंट, आप 6 महीने के लिए या 10 साल के लिए मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द हायर इंटरेस्ट रेट इज़ पेड ऑन फिक्स डिपॉजिट। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है जितने भी टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें से एफडी को सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगला पॉइंट है विड्रॉल आर नॉट अलाउड, तो आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी तरीके की कोई इमरजेंसी हो जाती है, बैंक अलाउ टू क्लोज द एफडी अकाउंट प्रियर ऑफ मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ पे आपको बैंक अलाउ करता है कि आप अपना एफडी का पैसा निकाल सकते हो अगर आपकी मैच्योरिटी डेट से पहले आप उसका पैसा निकाल सकते हैं। इन सच केस द बैंक डिडक्ट्स 1% फ्रॉम द इंटरेस्ट पेबल एज ऑन दैट डेट। तो आपको जितना भी इंटरेस्ट उस डेट तक मिल रहा होगा उसमें से 1% बैंक डिडक्ट कर लेता है या काट लेता है। मीन्स जैसे आपका जो एफडी अकाउंट है वो 2019 जनवरी में कंप्लीट होने वाला है किसी पार्टिकुलर डेट में, और आज की डेट में आप पैसा निकालते हो तो जो भी आज की डेट तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसमें से 1% इंटरेस्ट बैंक काट के बाकी जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा वो आपको दे देगा। ओके, तो यहाँ पे एफडी को अगर हम पहले प्री मेच्योरिटी में उसको हम तोड़ते हैं या अकाउंट क्लोज करते हैं तो कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगला पॉइंट है एक दूसरे टाइप का बैंक अकाउंट है करंट अकाउंट्स। ये बेसिकली करंट अकाउंट बिजनेस मैन के लिए होता है, या आप किसी बिजनेस के लिए ओपन करते हो या किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम पे ओपन कर सकते हो। ये इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, कोई भी पर्सनल अकाउंट से ओपन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं पहले, करेंट अकाउंट आर ओनली फॉर बिजनेस मैन एंड इट कैन नॉट यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो यहाँ पे जो करेंट अकाउंट होता है उसको आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग पर्पज़ से ओपन नहीं कर सकते हो, और ये अकाउंट से बिजनेस मैन ही ओपन कर सकते हैं। मीन्स उनको आप जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको किसी न किसी बिजनेस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर नो लिमिट्स फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस और द अमाउंट ट्रांजेक्शंस इन अ डे। तो यहाँ पे जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें आप
दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी हमें सेविंग अकाउंट्स या अदर टाइप के अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं होती है। उसमें लिमिटेशंस होते हैं कि दिन भर में आप सिर्फ इतनी बार ही पैसा निकाल सकते हो, और ये बैंक के अलग अलग अपने रूल्स होते हैं। अगला पॉइंट है, करेंट अकाउंट आर ओपन इन द नेम ऑफ फर्म कंपनी अकाउंट्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो करंट अकाउंट होते हैं वो किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम पे ओपन किए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक ऑन दीज अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा करंट अकाउंट होता है उस पर बैंक किसी भी तरीके का इंटरेस्ट कस्टमर को पे नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड बैंक चार्जेस सर्टेन सर्विसेज चार्जेस ऑन सच अकाउंट्स। तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, उल्टे उनसे कुछ चार्जेस लेता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, उसके चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे दो मेन पॉइंट हैं कि करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, प्लस अगर आप जो भी बैंक की सर्विसेज अवेल करते हैं या यूज करते हैं उसके बिहाफ पे आपको कुछ ना कुछ बैंक चार्ज लेगा आपसे। अगला पॉइंट है, टाइप ऑफ लोन्स। तो आप कितने टाइप के बैंक से लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन एंड बिजनेस लोन। तो पर्सनल लोन कोई भी ले सकता है, उसमें आपको अपनी एसेट दिखाने पड़ेंगे। अगर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसके बिहाफ पे आपको बैंक पर्सनल लोन देता है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बाकी सारे टाइप के जितने भी लोन्स होते हैं उन सबसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा होम लोन। तो ये होम लोन आपको दो तरीके से मिल सकता है, आप कोई मकान बनाने के लिए लोन ले सकते हैं या फिर आप मकान परचेज करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने होते हैं, फिर बैंक उसे वेरीफाई करता है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है, जितने भी आपके एसेट्स हैं, उसके बिहाफ पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है कार लोन। तो अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं या कार खरीदते हैं तो बैंक उसको परचेज करने के लिए भी लोन देता है। और ये कई अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिसके तहत आपको कार लोन या कोई भी व्हीकल लोन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अदर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं। अगला है एजुकेशन लोन। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है और उसको फीस जमा करने के पास उसके पास अवेलेबल अमाउंट नहीं है, तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन अमाउंट से वो अपनी फीस सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी स्कीम होती है बैंक की तरफ से उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशली काफ़ी वीक होते हैं, उनको इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है और वो आगे इसके थ्रू आप वो अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और ये अमाउंट उनको उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलमेंट्स में या एक साथ जैसा भी उनको सुटेबल लगे उस तरीके से वो सबमिट कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बिजनेस लोन। तो यहाँ पे ये लोन आपको तभी मिलेगा जब आप किसी बिजनेस प्लान करेंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आप उसका प्रपोजल लगाएंगे, आपके पास कुछ एसेट्स होने चाहिए। और आजकल कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं जिसमें आप मुद्रा लोन या इस तरीके कई सारी स्कीम्स हैं जिनके तहत आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपको कई तरीके की सब्सिडी भी देती है, और या फिर आपका जो कोई बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको लोन चाहिए, तो अब भी आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगला पॉइंट है हमारा ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बेसिकली मिलता है बिजनेस मैनों को या फिर एक तरीके से करंट अकाउंट पे मिलता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ये होता है कि आप रेगुलर कस्टमर होते हैं बैंक के, और इन केस अगर आपको किसी इमरजेंसी में आपको किसी पैसे की ज़रूरत होती है और आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, उससे ज़्यादा आपको पे करना है, या जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है उससे कई ज़्यादा, या बैंक के थ्रू जो भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की लिमिट जो दी गई है उस लिमिट तक आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तब भी आप किसी दूसरे को पे कर सकते हैं, और उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो पैसा आपको वापस उस बैंक अकाउंट में जमा करना होता है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि इस समय ये फैसिलिटी आपको जो जनधन बैंक अकाउंट्स हैं उन पे भी मिल रही है,
वहाँ पे 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपका जनधन अकाउंट है, तो वहाँ से आप 5,000 रुपये एज अ ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हैं और उसको आप धीरे धीरे करके जमा कर सकते हैं। फिर लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है फिलिंग अप चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो ये आप जब चेक फिल करते हैं तो आपको वहाँ पे जो चेकबुक मिलती है उसमें कई सारी फील्ड्स रहते हैं, जिसमें आपको किसको पे करना है उसका नाम डालना रहता है, या फिर उसका अकाउंट नंबर डालना रहता है, या किसी कंपनी को पे कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम डालना है। फिर आपको अमाउंट फिल करना होता है, उस अमाउंट में आपको इन वर्ड्स भी लिखना रहता है और इन नंबर्स भी लिखना रहता है। डिमांड ड्राफ्ट जब आप DD जिसको बोलते हैं आप, ये फैसिलिटी एक तरीके की प्री पेड फैसिलिटी होती है। चेक इन केस अगर आप किसी को देते हैं तो वो चेक अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बाउंस हो सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट एक प्री पेड फैसिलिटी होती है। इसमें डिमांड ड्राफ्ट जब आप बनवाते हैं तो जितने का डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाते हैं वो अकाउंट आपको पहले बैंक में जमा करना होता है। तो इस तरीके से जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट होता है उसमें कभी अगर आप किसी को देते हैं तो उसका लॉस नहीं है डिमांड ड्राफ्ट की, वो पूरी के पूरे पैसे वो निकाल सकता है किसी भी बैंक से। तो यहाँ पे एक तरीके का डिफरेंस भी अगर हम देखें यहाँ पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट में, तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि हमारा जो डिमांड ड्राफ्ट है वो प्रीपेड होता है, जबकि जो चेक फैसिलिटी होती है वो प्रीपेड नहीं होती है। इसमें हमारा जो पेमेंट है वो रुक सकता है चेक के केसेस में, अगर सफिशियंट अमाउंट नहीं होगा उस अकाउंट में जिसकी चेक आपको मिली है, तो आप उस चेक से अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे या पैसे नहीं निकाल पाएंगे, जबकि डिमांड ड्राफ्ट के केसेस में आपको हर हाल में पैसे मिलने हैं, क्योंकि आपने डिमांड ड्राफ्ट जो भी डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है उसको आप पहले पेमेंट जमा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है KYC, नो योर कस्टमर। ये बैंक की तरफ से होता है, इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फैसिलिटी होती है। KYC इनेबल बैंक टू नो अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स एंड देयर फाइनेंशियल डिटेल्स टू बी एबल टू सर्व देम बेटर एंड मैनेज इट्स रिस्क। तो यहाँ पे KYC फॉर्म एक होता है, उसके साथ आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। तो इससे बैंक को फैसिलिटी मिलती है या एक तरीके की हेल्प मिलती है अपने कस्टमर्स को जानने की या उसकी सारी डिटेल्स को एक्सेस करने की। तो इसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या KYC के लिए, सेम प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, जिसको आपको पूरी तरीके से भरना होता है। आपको फॉर्म पैन कार्ड चाहिए होता है अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। पैन कार्ड अगर नहीं है आपके पास तो उस केस में आपको फॉर्म 16 फिल करना होता है, जो बैंक की तरफ से आपको मिलता है। और यहाँ पे पैन कार्ड को एज अ ID प्रूफ भी आप यूज कर सकते हैं बैंक में। पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये आप एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड में आपका एड्रेस प्रिंटेड नहीं होता है, सिर्फ आपका फ़ोटो होता है। इस वजह से ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। और पासपोर्ट और आधार कार्ड, इन दोनों में आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है, तो यहाँ पे आप, और फोटो भी होता है, तो यहाँ पे पैन कार्ड और सॉरी पासपोर्ट और आधार कार्ड को आप आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और आपको एक लेटेस्ट फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आपको एप्लीकेशन पे एक स्पेसिफिक जगह पे चिपकाना होता है या फिक्स करना होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होता है जिसमें आपका सिग्नेचर का वेरिफिकेशन होता है। तो जैसे आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो उसमें आपका साइन प्रिंटेड रहता है टॉप पे, तो आप उसको भी सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूव के लिए दे सकते हैं। और साथ में आपको एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें से गवर्नमेंट IDs या यूनिवर्सिटी या कॉलेज ID प्रूफ, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ID प्रूफ, या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आप पासपोर्ट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, या किसी दूसरे बैंक की पासबुक भी आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप KYC कराते हैं या फिर आप अपना बैंक का कोई नया अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडियन करेंसी की। तो इंडियन करेंसी में जो साइन यूज होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये साइन हम यूज करते हैं, जैसे डॉलर का साइन होता है डॉलर के लिए यूज होता है, वैसे इंडियन करेंसी के लिए ये साइन यूज होता है।
और यहाँ पे जो कोड होता है INR कोड होता है, जो इंडियन करेंसी का कोड है INR है। और यहाँ पे इंडियन करेंसीज कई अलग अलग आपको सिक्के में मिलेगी और प्लस नोट्स में मिलेगी। तो सिक्के में आपको 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़, इनके आपको सिक्के मिलेंगे। और जो नोट्स होते हैं जो करेंटली इस समय रनिंग में है, चल रही है, उसमें से 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, जो आई होप आप सब जानते होंगे। फिर 50 रुपए का नोट आता है, फिर इस समय नया नया अभी 200 रुपए का भी नोट आ गया है, 100 रुपए का नोट होता है, 500 का होता है और 2000 का। ये है इंडियन करेंसीज में नोट्स जो इस समय रनिंग में है, ये यूज होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इजिली आई होप आप सबको नॉलेज है, आप इजिली इसका आंसर दे देंगे। आगे कुछ और इस पार्ट के कुछ जो आने वाले नए पार्ट्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये यहाँ पे काफ़ी बेसिक टॉपिक्स थे जिनके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक एक टॉपिक उठा रहे हैं तो इस वजह से ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@gmail.com पे, या फिर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं facebook.com/ज्ञानएक्सपी पे, जो कि हमारा ज्ञानएक्सपी का पेज है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप SSC से रिलेटेड या किसी अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं या क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप सजेशन देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। और मैं अभी कुछ जल्दी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एक कुछ ऐसा सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकलती हैं, या जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्शन होते हैं या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उनका एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ हम यहाँ पे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ दिनों में उसको हम लेके आएंगे। इसका एक ऐसा सिलेबस हम बना रहे हैं ताकि ये हर एक एग्ज़ाम में आप इजिली उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को आप इजिली उसको क्रैक कर पाएँ। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सिलेबस है, आप उसको भी हमें मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, मैं आप सभी के लिए एक नई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे आप SSC या उससे रिलेटेड कई सारे कोर्सेज के आपको वीडियो लेक्चर्स या थियरी लेक्चर्स दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी ये वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लेंथी टॉपिक हमने चूज़ किया है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ इस तरीके की हमारी वेबसाइट होगी, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और यहाँ पे हमने कुछ कोर्स ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। हालांकि ये वेबसाइट हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे। तो जैसे ही ये वेबसाइट हम लॉन्च करते हैं, आप सबको मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू नोटिफाई करूँगा, बताऊँगा। और अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।